नमस्कार दोस्तों, आज मैं वापस से एक एक्सपेरिमेंट दोहराने जा रहा हूं जिसमें मैंने थोड़े से अपडेशंस किए हुए हैं। तो यहां पे जो मैं आपको ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस दिखा रहा हूं जो कि हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज़ करते हैं, उनके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाने जा रहा हूं और थोड़े बहुत कंपोनेंट्स मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रियोस्टेट लिया हुआ है। ये रियोस्टेट जो होता है उसे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। इसकी को हम जोकी बोलते हैं, जो कि आगे पीछे स्लाइड हो सकती है। और इसके तीन टर्मिनल्स होते हैं। अगर आप बैटरी को ये दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं तो ये जो है वो फिक्स्ड रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर आप ये दोनों टर्मिनल्स कनेक्ट कर रहे हैं तो जोकी का काम होगा और लेफ्ट राइट आप स्लाइड करके रेजिस्टेंस घटा बढ़ा सकते हैं। तो इसको आप वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं और इसकी मैंने एक लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप इसको देखिए तो आपको इसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो डिटेल में समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं। ये हमारे पास वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, रेड जो होता है वो पॉजिटिव, ब्लैक नेगेटिव। और ये जो वोल्ट मीटर आप देख रहे हैं वो अलग अलग साइजेस और अलग अलग मेजरमेंट्स में भी आपको मिल जाएंगे। जैसे कि ये मैक्सिमम 5 वोल्ट तक मेजर कर सकता है। तो दूसरे वोल्ट मीटर्स भी अवेलेबल होते हैं जिसमें 20 वोल्ट 40 वोल्ट तक भी आप मेजर कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये डीसी पावर सप्लाई पे चलता है और ये जो वोल्ट मीटर है उसे हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। और जब इसकी बनावट होती है दोस्तों इंडस्ट्रीज़ में, तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है, अंदरूनी रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो बहुत हाई रखा जाता है। उसके कारण करंट कभी भी वोल्ट मीटर से फ्लो नहीं होता। ठीक है, आपको यह समझना होगा कि वोल्ट मीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस बताता है और ये हमेशा लोड माने एक बल्ब या फिर रेजिस्टर, उसके अक्रॉस पैरेलल में इसको लगाया जाता है। ठीक है, इसे आप देखिए, ये है ए मीटर, इसको एम मीटर भी बोला जाता है। और ये जो है वो करंट मेजर करता है और ये मैक्सिमम 1 एम्पियर तक करंट मेजर करता है। जब इसकी बनावट होती है इंडस्ट्रीज़ में तब इसका जो रेजिस्टेंस है अंदर का वो बहुत ही कम रखा जाता है ताकि करंट इसमें से एक्चुअली फ्लो कर सके और हम इसमें से करंट पास करके इसमें करंट मेजर कर सकें। और ये है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अलग अलग आपको कैलिब्रेशंस में ये आपको ए मीटर मिल जाएगा। जैसे कि 1 एम्पियर तक है तो आपको मिली एम्पियर, छोटे करंट या फिर बड़े करंट भी आप दूसरे ए मीटर से मेजर कर सकते हैं। इसमें आप मैक्सिमम 1 एम्पियर तक का करंट मेजर कर सकते हैं। अगर करंट बहुत ही छोटा है तो आपको दूसरा मिली एम्पियर मीटर लेना पड़ेगा। यह है गैल्वेनोमीटर, इसके आप दो टर्मिनल यहाँ भी देख सकते हैं, एक ब्लैक और एक रेड। तो गैल्वेनोमीटर की जो सुई होती है वो मिडल में होती है, जीरो पे होती है। ये गैल्वेनोमीटर जो होता है वो छोटे से छोटा करंट, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि माइक्रो एम्पियर लिखा हुआ है, तो एकदम छोटे से छोटे करंट होते हैं उसको मेजर करने में यूज़ किया जाता है और करंट की डायरेक्शन भी पता करने में यूज़ किया जाता है। तो मैं दूसरी लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो इसका मैं अलग से फंक्शनिंग दिखा दूंगा आपको। लेकिन यही समझना है कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। इसकी जो सुई है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे होती है, इसकी जीरो पे होती है। ये इतना सेंसिटिव डिवाइस नहीं है, मतलब थोड़े बड़े करंट्स में ये इसकी सुई हिलती है। ये काफ़ी सेंसिटिव है, बहुत ही थोड़ा करंट आप देख सकते हैं कि माइक्रो एम्पियर मतलब 10^-6। अगर ये एक डिवीजन मूव करता है तो 20 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और इसमें मैक्सिमम 30 डिवीजन से मतलब ये 600 माइक्रो एम्पियर करंट मेजर कर सकता है। तो बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है ये। इसमें आप करंट की डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। ये बड़े करंट्स के लिए होता है, ये छोटे करंट मेजर करने में यूज़ होता है। दोनों को हालांकि सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, आइए अब हम रेजिस्टेंस बॉक्स को समझते हैं। ये है हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स। तो रेजिस्टेंस बॉक्स जो होता है वो फिक्स्ड रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है और वेरिएबल रेजिस्टेंस भी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो दो टर्मिनल्स हैं इसको आप ऐसे ऊपर करके यहाँ पे वायर जोड़ सकते हैं और बैटरी लगा सकते हैं। तो अगर मैंने ये वाली की को ऐसे खींच ली, मतलब जो बैटरी के साथ जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो 1 ओम लगा हुआ है, मतलब कि ये रेजिस्टेंस बॉक्स अब 1 ओम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। उसके साथ मैंने अगर ये निकाल ली तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ेंगे और टोटल रेजिस्टेंस जो हमारा होगा वो 3 ओम हो जाएगा।
इसके साथ अगर मैं इसको भी निकालता हूँ तो टोटल ये तीनों सीरीज में और 5 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा, मतलब कि ये पूरा रेजिस्टेंस बॉक्स टोटल बैटरी को 5 ओम रेजिस्टेंस दे रहा है। तो आइए देखते हैं कि मैक्सिमम कितना ओम रेजिस्टेंस दे सकता है। तो वैसे तो यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, मतलब आप इसको अगर निकाले तो 100 ओम ये दे सकता है, लेकिन इसके साथ अगर आप इन सब को भी निकालते जाएं तो आपको जोड़ते रहना होगा, उतना मैक्सिमम रेजिस्टेंस ये दे पाएगा। आइए ये समझते हैं कि ये क्या है। अगर मैंने इसको निकाला तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स बैटरी को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और बैटरी से कोई भी करंट नहीं निकलेगा। दोस्तों आपको ये समझना होगा कि अगर मैंने बैटरी से एक तार जो निकल रहा है उसको काट दिया तो करंट को रिटर्निंग पाथ ही नहीं मिलेगा और करंट निकलेगा ही नहीं। तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, मतलब सर्किट जो है वो ओपन हो जाएगी, करंट बैटरी से निकलेगा ही नहीं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं ओम्स लॉ से, वी इज इक्वल टू आई आर। तो अगर आर की वैल्यू इनफाइनाइट है तो वी अपॉन इन्फिनिटी आई हो जाएगा और आई ज़ीरो बन जाएगा। तो इसे आप फिक्स्ड रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जनरली अगर आप इसको 100 को खींचते हैं तो सिर्फ 100, और फिर आपको अगर जैसे जैसे नीड है आप इसको रेजिस्टेंस को खींचते जाइए। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं कि बैटरी एलिमिनेटर क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बैटरी एलिमिनेटर जो है इसको हम 3-पिन कनेक्शन के साथ यहाँ पे जोड़ेंगे और इनपुट जो होगा वो 230 वोल्ट्स एसी पावर होगा। और ये बैटरी एलिमिनेटर, इसको सपोज आपने यहाँ पे 6 पे रखा है तो ये 6 वोल्ट्स डीसी पावर सप्लाई आउटपुट में आपको देगा। तो सिंपली ये बैटरी एलिमिनेटर है वो डीसी बैटरी की तरह काम करता है और मैक्सिमम आप इसको 12 वोल्ट तक ले जा सकते हैं। तो 230 वोल्ट्स एसी अंदर आएगा और आपकी नीड जैसी भी है वैसे आप इसको घुमा के 12 वोल्ट तक मैक्सिमम लगा सकते हैं। तो ये थोड़े बेसिक कंपोनेंट्स। इसके साथ में और एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये है क्रोकोडाइल पिन। क्रोकोडाइल माने मगरमच्छ, आप देख सकते हैं कि इसका जो आगे का पार्ट है वो क्रोकोडाइल की तरह है, इसलिए हम इसको क्रोकोडाइल पिन बोलते हैं। ये कनेक्टिंग वायर्स की तरह यूज़ होता है। आप देख सकते हैं कि सिंपली इसको ऐसे लगा देने से ये कनेक्ट हो जाता है। तो हम इसे क्यों प्रीफर करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास नॉर्मल वायर है तो वायर को आपको बांधना पड़ेगा, वापस से निकालना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि आप ये क्रोकोडाइल पिन यूज़ करें। और क्रोकोडाइल पिन जो है वायर से इजीली कनेक्ट भी हो जाती है ऐसे, और आप इसको ऐसे आराम से फिट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है कनेक्टिंग वायर्स। जनरली कॉपर्स के होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं। अगर इस पे ब्लैक लगा हुआ है तो मतलब आप इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़िए, और अगर आपके पास रेड कलर की वायर है तो आप इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करिए। हालांकि ऐसा फॉलो करना चाहिए लेकिन कुछ लोग नहीं भी करते हैं। ठीक है, तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अगर आप कनेक्शंस दिखा रहे हैं तो ये बेटर है कि आप इसको पॉजिटिव में कनेक्ट कीजिए, इसको नेगेटिव में। तो ये है एक छोटा सा मेरा वीडियो आप सबको समझाने के लिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। वीडियो देखने का खूब खूब धन्यवाद।